कहाँ जा रहे हो? प्रोग्राम है? कौन से गाने? नमस्ते दर्शकों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, टुडे इज 15 अगस्त एंड इंडिपेंडेंस डे ऑब्वियसली, एंड दी ऑफिस के लिए अभी हो रही है रेडी। एंड गाइस, दी ने आज पहनी है साड़ी। वैसे दी ऑफिस जाती है सूट वगैरह पहन के, बट आज इंडिपेंडेंस डे की खुशी में और उपलक्ष में दी ने पहनी है साड़ी एंड शी इज लुकिंग सो प्रिटी। सो या गाइस, सो दी रेडी हो रही ऑफिस के लिए एंड 8:15 हो चुका है एंड 8:30 बजे तक दी शायद चली जाएंगी, बिकॉज झंडारोहण जो होता है वो किसी भी संस्था में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉरपोरेशन में 8:30-9 बजे तक या उससे पहले हो जाता है। सो एक्चुअली मैंने और भाई ने भी सोचा था कि हम दी के साथ उनके ऑफिस जाके फ्लैग हॉस्टेशन देखेंगे उनके साथ, बट एक्चुअली व्हेन आई वोक अप टुडे इट्स स्टार्टेड क्रैम्पिंग ऑन माई स्टमक। सो या आई एम नॉट एबल टू गो एनीवेयर राइट नाउ, बट मैंने सोचा है मैं अपना फोन दी को दूंगी और दी से बोलूंगी कि अगर पॉसिबल हो पाया तो वो वीडियो शूट करे उस चीज का और मैं आप लोग के साथ उसे शेयर करूंगी। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। प्रोग्राम है? हाँ। कौन से गाने में? तेरा लहंगा। बहुत प्यार लग रहा है तुम्हारा लहंगा। और अनु, तुम्हारा? अंशु आ जा रहे। अच्छा चलो जाओ, बेस्ट ऑफ लक। गाइज, वो बच्चे जा रहे थे स्कूल अपने और उनका प्रोग्राम है आज, तो मुझे अपने स्कूल डेज की याद आ गई। हम भी, मतलब मैं भी बहुत प्रोग्राम्स किया करती थी ऐसे पहाड़ी गानों में, कुमाऊनी गानों में, और ऐसे लहंगा पिछौड़ा सब पहन के प्रॉपर रेडी होके ऐसे हम लोग करते थे प्रोग्राम वगैरह। हेलो दी, अच्छे लग रहे हो बहुत ज़्यादा, अति सुंदर भारतीय नारी। सो हाँ, तो मैंने उनका वीडियो भी शूट किया एंड बहुत क्यूट लग रहे थे हम लोग। अभी शाम के 4 बज रहा है, मैं अभी उठी हूँ और एक्चुअली जैसे कि मैंने सुबह बताया था माय स्टमक क्रैम्पिंग, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है आज, तो इस वजह से मैं कहीं भी नहीं गई आज। और दी गई थी ऑफिस, तो उनका ऑफिस का जो झंडारोहण जो प्रोग्राम हुआ था वो मैंने आपके साथ भी क्लिप शेयर करी, आई होप आपको पसंद आया हो। एंड अभी शाम के 4 बज रहे हैं, मैं अभी उठी हूँ, मैं सो गई थी बिकॉज मेरे हेडेक भी हो रहा था, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा मुझे वीक लग रही थी, तो मैं कहीं गई भी नहीं बाहर और मैं दिन भर घर पे थी, सिर्फ लेटी थी, आराम कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा खास शूट नहीं किया। सो या अभी मैं उठी हूँ, अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय। रात के 9 बज गए हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है, हम लोग थोड़ा बाहर वॉक करने आए थे। या आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। गाइस, आज का व्लॉग आई नो बहुत छोटा सा था बिकॉज मैंने आपको बताया कि आज थोड़ा मुझे हेल्थ इशू हो गया था। सो या एंड गाइस, 30 डे जो चैलेंज है या फिर जो लोग डेली व्लॉग करते हैं, ये अब मतलब करने के बाद मुझे लिटरली रियलाइज़ हुआ कि डेली की लाइफस्टाइल आपको दिखाना और डेली आपके साथ कनेक्ट रहना वो आसान बात नहीं है। ऑब्वियसली मतलब हम अगर डेली अपडेट दे रहे हैं आपको या डेली कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है किसी दिन हमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो हाँ उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हाँ अगर हम कुछ अच्छा दे रहे हैं तो कई बार कुछ ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है अनहैपनी, जो कि हमने ऐसा सोचा ना हो, प्लान ना किया हो। सो या तो फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आज का व्लॉग भी कंटिन्यूसली रखूं, और मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए आज मैं नहीं हूँ सही, तो मैंने सोचा कि मैंने बोला है तो मैं करूँगी। सो या मैंने किया जो भी था, ऐसा नहीं कि मैंने क्विट किया, मैंने आपके साथ शेयर किया जो भी मैं बना सकी, पॉसिबल लगा मुझे कि हाँ मैं बना सकती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड या सो मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।